नीमच में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को लाइनमैन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कुमाबाई रोड स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायक मंत्री ने कहा कि विद्युत विभाग के लाइनमैन द्वारा 24 घंटे निरंतर विद्युत सप्लाई करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। ऐसे में लाइन पर कार्य करते समय लाइनमैन सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपकरणों के साथ विद्युत संबंधित कार्यों को अंजाम दे, जैसे हेड ग्लोव्स, प्लायर, झूले, टेस्टर, सीढ़ी, सेफ्टी बेल्ट, डिस्चार्ज रॉड, हेलमेट आदि साथ रखकर कार्य करें ताकि कोई विद्युत दुर्घटना घटित ना हो। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाइनमैन संजय नागदा, विनोद राठौड़, प्यारचंद, हरिकिशन, दिनेश शर्मा, प्रवीण पाटीदार, विनोद उपाध्याय, विनोद मालवीय और परमानंद अकोदिया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लाइनमैन को सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। लाइनमैन दिवस पर सहायक मंत्री शशांक कक्कड़, रोशन अग्रवाल, ओंकारनाथ प्रसाद, श्रीकांत मालवीय, धनराज चौधरी और महिप सोनी बतौर अतिथि मंचासीन रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती के माल्यार्पण पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन जाहिद हुसैन ने किया। आज विशेष जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को हमारी कंपनी जो है लाइनमैन दिवस के रूप में मना रही है, और जिसमें हम संभाग के हर एक वितरण केंद्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाइन का कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको आज पुरस्कृत किया गया है। मुख्यतः ये एक मोटिवेशनल और इनका उत्साहवर्धन के रूप में हम लोग इन्हें इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिससे कि हमारी जो लाइनमैनों का जो इतना एक रिस्की काम करते हैं और इतना 24 घंटे उस काम के लिए लगे रहते हैं, तो उस काम उसको देखते हुए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, उसको देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया है कंपनी की ओर से। सर, लाइनमैन दिवस पे क्या विशेष समझाइश दी गई है लाइनमैनों को? लाइनमैनों को विशेष समझाइश ये दी गई है कि एक तो सबसे पहले तो समझाइश के पहले मैं बताऊं कि हमने इन्हें सबसे पहले तो बधाई दी है कि फरवरी माह में जो राजस्व कलेक्शन रहा है, जो ग्राउंड लेवल से जो आता है लाइनमैन जो राजस्व कलेक्शन करके इतना कंपनी को राजस्व देते हैं, तो पूरे उज्जैन क्षेत्र में नीमच जिला प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरा, हम लोगों का जो सप्लाई आवर्स है, जैसा कि शासन की नीति है कि घरेलू सप्लाई आवर्स 24 घंटे में से 24 घंटे होना चाहिए, तो 24 घंटे में से हमारा प्रतिदिन का एवरेज सप्लाई लगभग 23 घंटे 55 मिनट के आसपास रहा है, तो इसकी बधाई दी गई। और विशेष जो समझाइश के रूप में अगर बात करें तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, इतना रिस्की काम कर रहे हैं, तो जो भी सुरक्षा उपकरण है और जो सुरक्षा हिदायतें हैं उनका पूरा ध्यान रखते हुए, उनका पूरा पालन करते हुए हम लोग ये काम करें, ये विशेष समझाई जा सभी लाइनमैन को दी गई। क्या क्या संसाधन इनके पास होना आवश्यक है? मुख्यतः जो संसाधन होना चाहिए, एक डिस्चार्ज रॉड होनी चाहिए, संसाधन डिस्चार्ज रॉड हो गया, हेलमेट हो गया, झूला हो गया जिससे वो चढ़ सकें, लेडर सीढ़ियों का उपयोग करें, ये मुख्य जो संसाधन है ये इनके पास होना चाहिए और कंपनी ने इन सभी को उपलब्ध करा रखे हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।